शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूं, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नकाश अमजद लाहौर से शेयर कर रहे हैं। नकाश कहते हैं, आज आपके साथ एक और केस मैं शेयर करूंगा जिसको मैंने ही सॉल्व किया। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनसे मिलने गया तो मुझे पता चला कि उनकी ये खाला है जिनका बेटा है, यानी मेरे एक दोस्त का खाला साद भाई, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है। उसके ऊपर किसी पुरसरार मखलूक का बसेरा हो चुका है। मैंने उसे ये कहा कि ठीक है तो मुझे अपनी खाला के घर लेकर जाओ। उनकी खाला का घर जो था वो जौहर टाउन में था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, उनकी खाला से मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि हम लोगों के बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, ये बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक से ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगा है, बिल्कुल गुमसुम चुपचाप रहता है। रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एक मखसूस जगह पर चला जाता है और अक्सर गायब मिलता है। इसके अलावा हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता है। इसके कमरे से अजीबोगरीब हंसी की आवाज़ें भी गूंजती हैं, लेकिन जब हम इसके कमरे में जाकर देखते हैं तो ये हमें मखसूस अंदाज में देखना शुरू हो जाता है और बिल्कुल खामोश हो जाता है। खाना पीना इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के हैं। ये हमसे कोई बात नहीं करता। हमने बहुत से डॉक्टर्स को भी चेक करवाया है लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रही। इसके अलावा बहुत से आमिल हजरात के पास भी जाने की कोशिश की है लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनकी सारी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे ये पूछा कि आपको उसके कमरे में से किसी किस्म की कोई स्मेल महसूस होती है या आपको अपने बेटे से कोई स्मेल महसूस होती है, जिस पर उनका ये कहना था कि नहीं, हमें उसके कमरे से खुशबू महसूस होती है। जब उन्होंने खुशबू का जिक्र किया तो मुझे पता चल गया कि इनके बेटे के ऊपर कोई परी है। अब परी में भी 3 किस्में होती हैं। मुझे पता करना था कि इनके बेटे के ऊपर आखिर कौन सी किस्म की मखलूक हावी है। परी एक तो सही परिस्तान की परी होती है जिनमें नेक भी होती हैं और कुछ बुराई की भी होती हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। जो अच्छी परियां होती हैं वो कभी इंसान में आती ही नहीं हैं। कुछ परियां जिन्नात में से भी होती हैं। परी की एक ऐसी किस्म जिसको कुफ्तार कहा जाता है, ये इसमें अच्छाई भी पाई जाती है और बुराई भी। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के ही पीछे लगती है और ये सिर्फ नौजवान लड़कों के पीछे लगती है। इसकी बड़ी निशानी ये है कि इससे खुशबू आती है। जिस इंसान पर यह हावी होती है उसके पास से भी खुशबू आती है। ये किसी भी इंसान को खाती नहीं है लेकिन उनको नुकसान पहुंचाती है, उनका इस्तेमाल करती है और अगर उनका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। खैर, मैंने ये कहा कि मैं आपके बेटे का ज़रूर इलाज करूंगा। मुझे अब उनसे ये पता करना था कि आखिर उनके बेटे के साथ ये वाक़यात कब और कैसे शुरू हुए। तो उनकी खाला का ये कहना था कि उनका बेटा कुछ अरसा पहले मालम चप्पा सवाद किया हुआ था। जब वो वहाँ से वापस आया तो उसकी ऐसी हालत होगी। दरअसल उनके बेटे के पीछे वो कुफ्तार मालम चप्पा से ही लगी थी। अभी पूरी तरह से उसने उसको अपनी लपेट में नहीं लिया था लेकिन उसके असरात की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। अब मैं वहीं पर बैठकर मुराकबे में चला गया और मुझे पता चल गया कि ये परी की आखिर कौन सी किस्म थी। ये वही किस्म थी जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। ये कुफ्तार थी और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। ये इतनी ताकतवर परी होती है कि इसको कंट्रोल करना पहली बार इतना आसान नहीं होता। ये अपनी ताकत पर उतर आए तो देव को भी ख़त्म कर सकती है। बाकी जो देवी देवताओं के रूप में अक्सर ऐसी मखलूकात नज़र आती हैं वो सांप के रूप में नज़र आते हैं और वो भी बेहद ताकतवर होते हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे कुछ चीज़ें दरकार होंगी, आप जल्द से जल्द मुझे वो चीज़ें मंगवा दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके बेटे को इससे निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे ही मैंने उनसे वो चीज़ें मंगवाई तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखें, वो मखलूक आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ना ही पहुँचाएगी, क्योंकि वो सिर्फ उस इंसान को नुकसान देती है जो उसके शिकार से उसको दूर करने की कोशिश करे। यानी जैसे अब इनके बेटे के ऊपर वो परी आ चुकी थी, वो कुफ्तार उस पर आशिक थी, तो
तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान मुझे पहुँचाएगी। मैंने उन्हें हिसार में रहने की ज़रूरत नहीं समझी। खैर, मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे अपने बेटे का कमरा दिखा दीजिए। जैसे मैं उनके बेटे के कमरे में गया, उनके बेटे की नज़र मुझ पर पड़ी और वो बेहोश हो गया। तभी एकदम उस कमरे से एक नस्वानी हंसी सुनाई दी। वो बहुत ऊंची आवाज़ में हंसी और ये कहने लगी कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको नुकसान पहुँचाऊँगी। तुम मुझे नहीं जानते, यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने उसे ये कहा कि देखो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बेशक तुम एक परीजात हो, लेकिन तुम एक औरत हो और मैं औरतों का बहुत लिहाज करता हूँ। मैं तुम्हारा भी बहुत लिहाज कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम इस बच्चे की जान छोड़ दो। तुमने इसका क्या हाल कर दिया है। मैं तुमसे बहुत इज्जत से पेश आऊँगा। मैं तुमसे बिल्कुल भी दूसरी मखलूकात की तरह ट्रीट नहीं करूँगा। बेहतर यही है कि तुम खुद ही इसको छोड़कर चली जाओ। जैसे मैंने उसे ये बात कही, वो फौरन अपने एक रूप में जाहिर हो गई। वो रूप एक औरत का रूप था, जो कि नहायत ही हसीनो जमील थी, लेकिन उसके कान बहुत लंबे थे। तभी वो ये कहने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसको छोड़ूं। ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करूंगी। तो मैंने उसे ये कहा, देखो, ये इस्लाम के दायरे से बाहर होने वाली बात है। हमारे मज़हब में जिन्नात और इंसान की शादी की कोई भी इजाज़त नहीं है, और ना ही जिन्हों इंस की शादी हो सकती है। इसकी जान बख्श दो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें इससे दूर करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये बात की, वो एकदम गुस्से में आ गई और अपने असल रूप में आ गई। उसका असल रूप बेतहाशा भयानक था। मैंने उसे ये कहा कि तुम मुझे जानती हो, अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ़ हो, मैं कौन हूँ और मेरा क्या नाम है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो ये कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। तभी वो नीचे बैठ गई। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक हो गया। उसके हाथ बहुत लंबे थे, नेल्स बहुत लंबे थे, हाइट बहुत लंबी थी, चेहरा नहायत भयानक था, नाक भी बहुत लंबी थी। जैसे ज़मीन पर बैठ कर उसने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो मैंने भी उसी वक्त सूरत कौसर की पढ़ाई करना शुरू कर दी। अब यहाँ पर मुकाबला था नूरी इल्म में और जादुई मंत्रों में। जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं उस कमरे में मौजूद नहीं हूँ, मैं एक ऐसे मैदान में हूँ जहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत है और रेत का तूफान चल रहा है। मैंने जैसे ही पढ़कर फूंकना शुरू किया, मेरे पास दम किया हुआ पानी था। वो पानी मजबूरन मुझे उस पर छिड़कना पड़ा। थोड़ा सा ही पानी मैंने फेंका था तो वो अपने असल रूप में तो जाहिर हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो एकदम से मैंने आंखें खोली तो वो मेरे पैरों में बैठी थी और गिड़गिड़ाकर ये कह रही थी कि मैं चली जाती हूँ, मैं इसको छोड़ दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने उसे ये कहा, देखो, मैं औरत जात की बहुत इज्जत और लिहाज करता हूँ, मेरे आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मुझसे मत मांगो, माफ़ी उस पाक परवरदिगार से मांगो, क्योंकि तुमने एक इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर होगी, लेकिन तब मंजूर होगी अगर वो मानने के काबिल हुई तो। और एक बात और याद रखो, तुम्हारी शर्त मैं तब मानूंगा, तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम हमेशा के लिए इस लड़के को छोड़कर चली जाओगी, कभी इसको अपना आप जाहिर नहीं करोगी, कभी इस पर हावी होने की कोशिश नहीं करोगी और कभी भी वापस इसकी ज़िंदगी में नहीं आओगी। उसने ये कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लूँगी, लेकिन पहले तुम मेरी शर्त सुनो। जिस जगह पर यह लड़का रात 12 से 3 बजे तक जाता है, 1 महीना और 15 दिन ये वहाँ पर मुसलसल जाएगा, बस वहाँ पर जाएगा और वापस आ जाएगा। वहाँ पर हाज़िरी देना ज़रूरी होगी। मैंने कहा, नहीं, ये शर्त काबिले कबूल नहीं है। तभी मैंने उसे ये कहा कि कोई और शर्त बताओ। तो वो ये कहने लगी कि ठीक है, फिर इसको दरिया के एक किनारे पर 1 महीना और 15 दिन जाकर एक सुर्ख गुलाब का फूल किनारे पर रखकर आना होगा। बस गुलाब का फूल रखते साथ वहाँ से वापस आ जाए, लेकिन पीछे पलटकर मत देखे। मैंने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी शर्त अगर तुम भूल गई और अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो फिर मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। वो कुछ लम्हे खामोश रही और उसने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है और मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर। तभी वो उठकर खड़ी हो गई। अब मुझे पता था कि वो यहाँ से गायब होगी। तभी देखते ही देखते वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं कमरे से बाहर निकला
उस लड़के के घर वालों को उसके कमरे में लेकर आया और उन्हें सारी बात बताई। और फिर मैंने उन्हें ये कहा कि जल्दी से बाज़ार से मुझे एक सुर्ख प्लेट ला कर दें, उसके बाद एक सुर्ख कपड़ा ला कर दें, उसके बाद मीठे में सुर्ख हलवा बनाएं, यानी गाजर का हलवा, वो बना कर आप मुझे दें, उसके ऊपर मैं कुछ पढ़ाई करूँगा। वो जाकर आपने अपने घर के छत के ऊपर रख आना है, उसको सुर्ख कपड़े से ढाँक कर, लेकिन आपने पीछे पलट कर नहीं देखना। फिर उन लोगों ने ऐसा ही किया, मैंने उस पर पढ़ाई की और वो सुर्ख प्लेट में सुर्ख हलवा डालकर ऊपर सुर्ख कपड़ा रख कर छत के ऊपर रखा है। उसके बाद 1 महीना और 15 दिन उस बच्चे ने वो अमल किया जिसकी उम्र 22 साल थी। मैंने उससे वो अमल पूरा करवाया, जैसे जैसे समझाया उसने वो अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश है और 2 बेटियों का बाप है। ये एक स्टोरी थी जो नकाश अमजद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया नकाश अमजद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फरहान असर शेयर कर रहे हैं यूएई से। फरहान कहते हैं कि आज आपके साथ यूएई की एक स्टेट ओमान की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ओमान एक बहुत ही कदीमी और छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 5 लाख है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शहर मौजूद है जो यहाँ के कैपिटल मस्कत के 200 किलोमीटर दूर वाकई है, जिसका नाम बाहा सिटी है। बाहा सिटी को शोहरत इसलिए हासिल है क्योंकि बाहा सिटी जो है वो जिन्नात का शहर है। लोगों का ये मानना है कि बाहा सिटी में हर जगह पर, हर कोने पर बेतहाशा जिन्नात मौजूद हैं और ये जिन्नात यहाँ पर सैकड़ों सालों से आबाद हैं और यहाँ के मुकीम हैं। बाहा सिटी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर जिन्नात मौजूद नहीं है। ओमान के टैक्सी ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि अक्सर रात के वक्त हम लोगों के साथ कुछ ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो चलती गाड़ी में से ही गायब हो जाते हैं, और जब उन लोगों को पता चलता है कि उनकी टैक्सी में सफ़र करने वाले मुसाफिर गायब हो चुके हैं तो खौफ के मारे उनके एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। इसी तरह बाहा सिटी में एक बहुत ही बड़ा किला भी मौजूद है जो कि बहुत कदीम और पुराना किला है, जिसे बाहा फोर्ट भी कहा जाता है। बाहा सिटी के लोगों का ये भी दावा है कि ये किला जिन्नात ने ही तामीर किया था, वो भी एक रात में, जब बाहा सिटी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी तो वहाँ के हुक्मरानों ने जिन्नात से मदद तलब की थी, तो जिन्नात ने रातों रात वहाँ पर एक किला तामीर कर दिया था। और जब मुखालिफ अफवाज वहाँ पर हमला करने के लिए आई तो इस किले को देखकर वो डर के वहाँ से भाग गई थी। बाहा सिटी के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अपने आप घरों में आग लग जाती है, फिर चाहे मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, वो आग पुरसरार तौर पर घरों के अंदर लग जाती है और उस आग में से मुसलसल हंसी की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि वो आग लगाने वाले महज जिन्नात ही हैं। बाहा सिटी के लोग जब उन जिन्नात के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं क्योंकि उनको ये डर है कि वो जिन्नात उनकी आवाज़ कहीं सुन ना लें। इसके साथ साथ बाहा सिटी के लोगों का मानना है कि जुमे के दिन सूरज गरूब होने के बाद जिन्नात एक्टिव हो जाते हैं, तो बाहा सिटी में लोग जुमे के शाम के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वहाँ के हर कोने हर जगह पर जिन्नात मौजूद होंगे। ओमान के इस छोटे से टाउन को जिन्नात का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर आज के दौर में भी एक मार्केट मौजूद है जहाँ पर बहुत ही कदीम दुकानें आज के दौर में भी मौजूद हैं। वहाँ के जो दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि अक्सर यहाँ पर जिन्नात इंसानी रूप में अपना आप जाहिर करते हैं और हम लोगों के देखते देखते ही गायब हो जाते हैं। बाहा सिटी के लोगों में जिन्नात को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ और हिरास फैला हुआ है क्योंकि वो जगह ही मशहूर जिन्नात की वजह से है। वहाँ के पहाड़, वहाँ के बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो पहाड़ों के ऊपर उन जिन्नात की आबादियों को जाहिर करते हैं क्योंकि बाहा सिटी उन्हीं पहाड़ों में मौजूद एक छोटा सा शहर है जिसको जिन्नात का शहर कहा जाता है। अगर आप लोग भी YouTube या विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको ओमान के इस छोटे से शहर बाहा, द सिटी ऑफ जिन्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये एक स्टोरी थी जो फरहान असन ने UAE से शेयर की।
बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ फैसलाबाद में रहने वाले एक कपल सीमा और असगर की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। सीमा और असगर जो थे, ये दोनों एक ऐसा कपल थे जो दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी का सर्कल चला रहे थे। वो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने अपने घर से ही एक बिज़नेस का सेटअप स्टार्ट किया था। हम लोगों का घर छोटा था तो हम लोगों को एक बड़ा घर चाहिए था। हम लोगों ने एक जगह पर दो पोर्शन वाला एक घर ले लिया। नीचे वाले पोर्शन में हम लोगों ने अपना बिज़नेस सेटअप स्टार्ट कर लिया। हम लोगों का होल सेल का काम था और बहुत से कस्टमर्स सारा दिन वहाँ पर आते थे। और सेकेंड फ्लोर के ऊपर हम लोगों की अपनी रेजिडेंस थी। शाम तक तो वहाँ पर रश रहता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी हम लोग अपने सेकंड फ्लोर में आ जाया करते थे। हम लोगों के घर के बिल्कुल साथ एक खाली घर भी वाक़ था। जब से हम लोग वहाँ पर आए थे हमने वहाँ पर कभी भी किसी को नहीं देखा था, ना ही वहाँ पर कोई आता था और ना ही वहाँ पर कोई रहता था। एक दफ़ा गर्मियों का मौसम था तो हम लोगों के घर में हम लोगों के कुछ गेस्ट आए हुए थे। हम लोगों ने जब खाना खाया तो उसके बाद हम गर्मियों की शाम को एंजॉय करने के लिए हम लोगों के घर के टेरेस पर जाकर बैठ गए। अब हम लोगों का टेरेस इस तरह से था कि वहाँ पर बआसानी बैठकर साथ वाले घर में झांक कर देखा जा सकता था। तभी हम लोगों के जो गेस्ट थे उनका ये कहना था कि अभी आप लोगों के साथ वाले घर से दो औरतें टेरेस पर आई हैं और बहुत गु़स्से से आकर ये कहने लगी हैं कि यहाँ से उठकर चले जाओ, यहाँ से बेपर्दगी हो रही है और तुम लोग हमारे घर में देख सकते हो। हम लोगों ने उन्हें ये कहा कि नहीं, आप लोगों को कोई वहम हुआ होगा, इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, ये घर गैराबाद है। जबकि वो बार बार ये कह रहे थे कि हमने खुद दो ख़वातीन को देखा है जो बहुत गु़स्से से हमें ट्रीट कर रही थी। हम लोगों को बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं आई। खैर, वो लोग तो चले गए, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। हम लोग जैसे ही सोने के लिए अपने बिस्तर पर गए तो थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों को एक शोर सुनाई दिया। जब हम लोगों की आंख खुली तो वो शोर ऐसा था जैसे कोई रो रहा है, जैसे कोई औरत बहुत अजीबोगरीब अंदाज से रो रही हो। हम लोगों ने जब रोने की आवाज़ पर गौर किया तो वो रोने की आवाज़ हम लोगों के साथ वाले घर से आ रही थी। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये घर तो खाली है पर यहाँ से कोई कैसे रो सकता है। फिर हम लोगों को लगा कि शायद ये आवाज़ मोहल्ले से आ रही हो। जैसे ही हम लोग अपने टेरेस पर आए तो मोहल्ले के हर घर में बिल्कुल खामोशी और सुकून था, लेकिन ये रोने की आवाज़ें साथ वाले घर से आ रही थी। मजबूरन जब हम लोगों ने अपने टेरेस से झांक कर साथ वाले घर में देखा तो उस घर के बरामदे में हमें एक औरत खड़ी हुई नज़र आई। उस औरत ने बिल्कुल ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उसके सर के बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लग रहा था। पहले तो हमें उसका चेहरा नज़र नहीं आया क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अजीबोगरीब अंदाज में हमारी तरफ कमर करके रोए जा रही थी। हम लोगों ने जब उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो हमने पूछा कि आप कौन हैं और क्यों यहाँ पर रो रही हैं, इस घर में तो कोई भी रहता नहीं है, फिर आप कौन हैं। पहले तो उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने फिर जब पूछा, मेरी मिसिस ने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा कि आपको कोई मदद चाहिए, अभी ये पूछने की बात ही थी वो औरत एकदम से हमारी तरफ पलटी तो उसका जो चेहरा था वो इतना खौफनाक था कि हमने ज़िंदगी में इतना भयानक चेहरा नहीं देखा। उसका पूरा चेहरा स्याह कलर का था जिसके ऊपर बहुत घने बाल थे, उसकी आंखें सफ़ेद कलर की थी और उसके हाथ पैर उल्टे थे, उसके हाथों के ऊपर भी बहुत लंबे लंबे बाल थे और उसका चेहरा बिल्कुल गाय की तरह था। हम लोगों ने जब रोने की आवाज़ें सुनी थी उसी वक्त हम लोग आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए वहाँ से बाहर निकले थे। हम लोगों ने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और तेज़ी से अपने टेरेस से अपने कमरे की तरफ आए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से बदस्तूर भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के टेरेस के ऊपर भी कोई वहाँ पर जैसे कोई चीज़ें फेंक रहा है, जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है। फिर हम लोगों के टेरेस के ऊपर जो ग्रिल थी जैसे उसके ऊपर कोई शार्प सी चीज़ मार कर कोई अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, सारी रात हम लोग नहीं सो सके, फजर की अजान तक बाहर शोर बरपा रहा। सुबह जब हुई तो फौरन से पहले मैं और मेरी मिसेज हम लोग मस्जिद में गए, वहाँ पर इमाम साहब से बात की, उन्हें सारी बात बताई तो इमाम साहब का ये कहना था कि ये घर आज से नहीं
बहुत सालों पहले से गैराबाद है। ये कहा जा सकता है कि जब से ये घर तामीर हुआ है, ये घर कभी आबाद हुआ ही नहीं, क्योंकि ये घर जिन्नात का मस्कन है। यहाँ पर बहुत सी तादाद में जिन्नात रहते हैं। ये घर एक आसेब सदा घर है। जिन लोगों ने ये घर बनवाया है, वो यहाँ पर रहने की गर्ज से जब आने लगे तो जिन्नात ने उन पर अपना असर जाहिर किया और वो रातों रात यहाँ से भाग गए। तब से लेके आज तक ये घर गैर आबाद है। बेहतर यही है कि आप लोग भी ये घर छोड़ दें जहाँ पर आप लोग रहते हैं, क्योंकि आपकी और उनके घर की एक दीवार है और अब उन जिन्नात ने आप लोगों को देख लिया है। इससे पहले वो जिन्नात आपको भी नुकसान पहुँचाएँ, आप लोग यहाँ से चले जाएँ। हम लोगों ने जब ये बात सुनी, उसी दिन हम लोगों ने एक और घर का बंदोबस्त कर लिया और हम लोग उस घर को छोड़कर उस नए घर में चले गए। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने UAE से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinwilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर दहशत ज़दा नावल की आज सेकेंड लास्ट एपिसोड है और कल उसकी लास्ट एपिसोड है। उसको विज़िट करें, आप लोगों को हॉरर नावल्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नकाश अमजद साहब ने आप लोगों के लिए जो ईमेल शेयर की है, उनके मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, तो आप लोगों को इस स्टोरी में उनका वो कमेंट पिन मिलेगा, वहाँ से आप लोग उनका ईमेल ID सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।